हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गौरी सिंह, अरविंद यादव, प्रिंसिपाल अनिल कुमार, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही शानदार बात कही आपने अनिल कुमार जी। चलिए चलते हैं सीधा एक बार क्लास में। कल बोर्ड बंद हो जाने की वजह से वित्तीय आपात पे कहानी रुक गई थी ना, तो उसी वित्तीय आपात के प्रभाव से कहानी शुरू करनी है। प्रभाव तक हुआ था मुझे याद है, इसी के आगे चलना है। खुश रहिए, खुश रहिए सारे लोग, एकदम मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो वित्तीय आपात हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में। वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात में प्रभाव की बात हो रही थी कि अगर देश में वित्तीय आपात लग गया इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहला प्रभाव लिखा दिया था, लेकिन फिर से लिख रहा हूं। पहला प्रभाव इसका यह था कि राज्यों का धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद सदन में लाया जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर सभी संवैधानिक पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। इतना मैंने कल भी लिख दिया था। क्लास जब बंद हुई तो एक बच्चे का कमेंट आया था, मैंने कमेंट देख लिया था। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, क्या सर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है? यस, अगर वो भी अपवाद होता तो मैं अपवाद में लिखता। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन में कटौती की जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है वित्तीय आपात का। तो सवाल उठता है कि अगर एक बार वित्तीय आपात सर लग गया तो समाप्त कैसे होगा? ये समाप्त कैसे होगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यदि एक बार वित्तीय आपात लग गया तो राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले ले। समाप्त करने का पहला तरीका है राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले ले। दूसरा तरीका इसका है, 6 माह बीत जाने के बाद संसद इसका अनुमोदन ना करे। लेकिन जो प्री का मेन सवाल है ना, तो बहुत गहरा सवाल है। जो सबसे ज्यादा आपके प्री के एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अब तक
वित्तीय आपात, अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया? कितनी बार लगाया गया ये क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ा तो दिया गहराई में, लेकिन सवाल क्या आएगा, बेसिक पूछे जाते हैं ज्यादातर, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का आर्टिकल कौन लगाता है, कितनी बार लगाया गया, इस पर ज्यादा सवाल बनते हैं। लेकिन हमने हर एक डिटेल को बताया है, आधार क्या है, विस्तार कैसे होगा, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे इसका समापन किया गया है, कितनी बार लगाया गया है। तो अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, जिसका आंसर है एक बार भी वित्तीय आपात अब तक नहीं लगा है, एक बार भी वित्तीय आपात अब तक नहीं लगा है। ये नोट करिए, फिर ओके बोलिए, फिर मैं बताता हूं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से एक आर्टिकल आपके प्री में पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में बताते हैं, इसे नोट करके ओके बोलिए। चलिए, खुश रहिए भैया, रामधनी खुश रहिए। उसके बाद अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। तो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार आर्टिकल 361 में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के लिए कहा गया है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान ना तो कोई आपराधिक कार्यवाही जारी रखी जाएगी ना ही प्रारंभ की जाएगी एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, अगर आता है प्री में तो यही सवाल आता है, तो केवल आर्टिकल ही बताना होता है। लेकिन हम आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया वो भी बता रहे हैं कि आर्टिकल 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान न तो पुरानी कोई आपराधिक कार्यवाही जारी रखी जाएगी और न ही कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। मन में एक सवाल उठा होगा, सर आपराधिक कार्यवाही क्या होती है, ये जानेंगे आप, लेकिन न्यायपालिका में बताऊंगा आपराधिक कार्यवाही और सिविल कार्यवाही, या आपराधिक मामले और सिविल मामलों में क्या अंतर होते हैं, ये जुडिशरी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहां मैंने इतना बताया कि अनुच्छेद 361 के तहत भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का विशेषाधिकार मिला है, जिसके तहत केवल न राष्ट्रपति को बल्कि राज्यपाल को भी विशेषाधिकार मिला है, और यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान न तो कोई आपराधिक कार्यवाही जारी रखी जाएगी और न ही प्रारंभ की जाएगी। अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति के पद की गरिमा सुनिश्चित रहे और उनके कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार का कोई और बाहरी डिस्टर्बेंस या कोई नैतिक दबाव
उनके ऊपर न पड़े, इसलिए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को यह विशेषाधिकार दिया गया है। आने की संभावना कम है, लेकिन 361 कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखिएगा। अब इसको बताते ही राष्ट्रपति समाप्त हो गया हमारा, लेकिन अभी भी हम समाप्त नहीं करें, अभी आधे घंटे और राष्ट्रपति पढ़ाएंगे आपको। अब राष्ट्रपति कैसे पढ़ा, सब तो पढ़ा दिया भाई, अध्यादेश पढ़ा दिया, महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ा दिया, संयुक्त अधिवेशन पढ़ा दिया, क्षमादान पढ़ा दिया, आपातकालीन शक्तियां पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन विधि, योग्यता, पुनर्निर्वाचन, शपथ, पद की शर्तें, सब हो गया। तो अब क्या बचा राष्ट्रपति में? राष्ट्रपति में कई बार बहुत गहरा सवाल के रूप में यह पूछ लिया जाता है, जैसे चार स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और वहां से आपसे यह पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति है। तो कई बार आप फंस जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, जबकि पढ़े सब कुछ होते हैं, लेकिन यह नहीं जान पाते हैं कि यह कौन सी शक्ति है। तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सारी शक्तियों का क्लासिफिकेशन करके सबके बारे में बोलता जाऊंगा, जो आपको लगे हाँ सर इसके बारे में हम नहीं जान रहे थे उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। प्रायः ऐसा प्री के क्लास में नहीं करते, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बाय द वे अगर सवाल कभी ऐसा आ जाए तो आप गलत करके ना आए। सर एक पीसीएस 2023 मेंस बैच भी लाइए प्लीज, बैच चल रहा है भाई, यूपी पीसीएस 2023 के लिए इसमें 6 घंटे 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, वो हाइब्रिड बैच के नाम से है, वहां प्री और मेंस कंप्लीट है, और मेंस प्री और मेंस का कैसे बैच पढ़ाया जाता है, अभी पॉलिटिक की अंतिम सीमा नहीं जो पढ़ा रहे हैं, ये आप 60% पढ़ रहे हैं। जब इसी को प्री और मेंस के लेवल पर जाएंगे तो और डिटेल किया जाता है इसका, उसका नोट्स कैसे बनता है, तो कुछ नोट्स जो अभी 24 लेक्चर के हैं जिसको देखना होगा बताइएगा, एक बार मैं भेज दूंगा, उसको आप देखिएगा कि मेंस का नोट्स कैसे बनता है, मेंस लेवल पे पॉलिटिक फिर क्या और एक्स्ट्रा किया जाता है। ये तो प्री का क्लास है, मेंस का क्लास चल रहा है, हाइब्रिड बैच ज्वाइन करिए जिनको यूपी पीसीएस 2023 देना है। फिलहाल अब मैं आपको बताता हूं राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। ये मेंस का मुद्दा है, लेकिन यहीं से प्री की जो सवाल पूछा था मैं उसको ओरली यानी मुझबानी बोल दूंगा, उसको आप जो पॉइंट नोट करना होगा आप नोट कर लीजिएगा। कार्यकारी शक्ति को ही कहा जाता है प्रशासनिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति को ही कहा जाता है प्रशासनिक शक्ति। इसके अलावा विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। उसके बाद शयन शक्ति, उसके बाद न्यायिक शक्ति, उसके बाद कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। इसी कूटनीतिक शक्ति को राज न्यायिक शक्ति भी कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। उसके बाद सलाहकारी शक्ति, सलाहकारी शक्ति। और इन सब के अलावा एक शक्ति और भी है जो आप अभी पढ़ चुके हैं, जिसे आप कहते हैं आपातकालीन शक्ति और सबसे लास्ट में परिस्थिति जन्य शक्ति, परिस्थिति जन शक्ति। ठीक है, अब इन सभी शक्तियों के विस्तार से हम चर्चा करते हैं। मैं ज्यादा पॉइंट लिखूंगा नहीं, आप नोट कर सकते, मैं बोलता हुआ चलूंगा। पहले एक बार मैं सबका मतलब समझा देता हूं। कार्यकारी शक्ति का मतलब हुआ राष्ट्रपति की ऐसी कोई भी शक्ति जो किसी विभाग या मंत्रालय से संबंधित हो या नियुक्तियों से संबंधित हो,
ऐसी शक्तियों को राष्ट्रपति की कार्यकारी या प्रशासनिक शक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है। उसके बाद बात आएगी विधायी शक्ति की। विधायी शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी कृत यानी कार्य जो संसद से संबंधित होता है वह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति की ऐसी कोई भी शक्ति जो तीनों सेनाओं से संबंधित होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये इनकी क्या कहलाती है? सैन्य शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति की ऐसी कोई भी शक्ति जो न्यायालय से संबंधित होती है उसे न्यायिक शक्ति कहा जाता है। सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि सर हम कूटनीतिक शक्ति नहीं समझ पाते हैं, व्हाट इज डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति क्या होती है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी कार्य जो विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए किया जाता है, राष्ट्रपति की ऐसी किसी भी शक्ति को कूटनीतिक शक्ति या राजनयिक शक्ति या इंग्लिश में डिप्लोमेटिक पावर कहा जाता है। एकदम साफ। उसके बाद बात आती है वित्तीय शक्ति की। तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी कार्य जो फाइनेंस से संबंधित हो, जो पैसों से संबंधित हो, जो वित्त से संबंधित हो, वह सारी शक्तियां राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कहलाती है। सलाहकारी शक्ति जो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। आपातकालीन शक्ति जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365 के तहत क्रमशः राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा करता है। यह शक्ति राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति कहलाती है। और उसके पश्चात सबसे अंत में है परिस्थिति जन शक्ति। हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को कोई भी स्वविवेकी शक्ति नहीं दी है। फिर से रिपीट करता हूं, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को कोई भी स्वविवेकी शक्ति नहीं दी है, लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अनुसार हमारा संविधान कुछ अपने विवेक से निर्णय लेने की शक्ति देता है। और इसी शक्ति को राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहा जाता है? परिस्थिति जन्य शक्ति कहा जाता है। एकदम साफ हो गया, ये मैंने कुल कॉन्सेप्ट सिखाया। अब फैक्ट पे आइए। सवाल उठता कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सी शक्ति कार्य की शक्ति हो, सारी शक्तियां बता दीजिए ताकि आंसर आए तो हम लगा दें। जैसे कि देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, सब विभागों और मंत्रालयों से ही तो संबंधित है, तो राष्ट्रपति की यह शक्ति जो सभी काम उसके नाम पर होते हैं ये इसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इन सब के अलावा जितनी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, क्या जितनी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है वह सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति शक्ति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति शक्ति के अंतर्गत आती कार्यकारी। अब कौन कौन सी है मैं बोल रहा हूं, जो आपको पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। इसका मतलब है राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। अब किसकी किसकी नियुक्तियां करता है फ्री में सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष यानी कि भारत निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये सारी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसमें से किसी भी नियुक्ति को भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो यह हो गई राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। लेकिन कठिन पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती, तो मैं क्रमबद्ध तरीके से सब बोलता हूं फटाफट, जो लगे सर मुझे ये तो नहीं पता था उसको नोट कर लीजिएगा, पढ़े सब है, हम उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, आपके बिखरे हुए ज्ञान को क्लासिफाई कर रहे हैं, राष्ट्रपति की अलग अलग शक्तियों के खाके में जाकर उसको शेड कर रहे हैं ताकि दिमाग में एक फ्रेम आपकी बन जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की बात किया जाए तो विधायी शक्ति की शुरुआत हो जाती है अनुच्छेद 80 से ही।
अनुच्छेद 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ये पढ़ा दिए हैं, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 85 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, सत्र का सत्रावसान करता है, आवश्यकता पड़ने पर सत्र को आहूत करता है यानी बुलाता है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 87 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में, प्रत्येक आम लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है और यह शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहलाती है। इसके अलावा जब कभी भी किसी विधेयक को लेकर के, प्रायः साधारण और विधि विधेयक को लेकर के, वित्त विधेयक को लेकर के दोनों सदनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद होता है, अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति है। दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो अनुच्छेद 111 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग करता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाने वाला यह वीटो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहलाती है। इसके और आगे बढ़ेंगे। जब कभी भी संसद का सत्र न चल रहा हो और देश के लिए त्वरित कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हो कि कानून बनाना देश के लिए जरूरी हो गया हो, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, यह भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इन सब की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाता है और इसलिए यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है, यह इनकी विधायी शक्ति कहलाती है। तो अब एग्जामिनेशन में अगर आपसे कोई कथन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हैं, कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, तो क्या दिए गए स्टेटमेंट में से आंसर बाहर निकाल लेंगे? लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं, दिमाग को सिर्फ सेट करना है। लिखने के लिए दोबारा वीडियो करिएगा दीप्ति अग्नोत्री जी। जब इसको आपको नोट ही पूरा पॉइंट करना लग रहा हो कि आपको कोई पॉइंट नहीं पता है, ये सारा पढ़ाया हुआ चीज है, इसमें से कोई ऐसा आर्टिकल नहीं बोला गया जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। बस आपको यह बताया गया विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जिससे आपको लगे कि हमें नोट करना है, तो सेकेंड टाइम जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट करते आगे बढ़ जाइएगा, ये इसका तरीका है। क्योंकि हम आपको सीमित समय में ज्यादा कंटेंट देना चाहते हैं और इसको हम बोल रोक रोक के हम लिखाएंगे, तो जितने में हम एक दो चैप्टर खत्म करेंगे उतने में ये टाइम लग जाएगा। पढ़ाया सब कुछ गया है, आपको क्या करना है, जो आपको लगे ये तो मुझे नहीं पता था कि विधायी शक्ति है, तो इसको आप अपने से जब नोट्स बनाइएगा वीडियो अपलोड होने के बाद, तब नोट कर लीजिएगा। और उस समय नोट करते समय वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन होता है, और अभी हम पॉज करेंगे तो एक घंटा सिर्फ ये लिखाने में चला जाएगा। ये एक्स्ट्रा तरीके से मैं बता रहा हूं, प्रायः ये फ्री में नहीं बताया जाता, लेकिन क्वेश्चन इस लेवल पे बनते हैं इसलिए मैं डिटेल कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में से कौन सी शक्ति आती है, कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कहलाती है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये प्री में सवाल पूछा जाएगा कि तीनों सेनाओं का, यानी कि थल सेना का, बाकी आगे मैं पूरा नोट्स खुद बनवाता हूं, बोर्ड पे लिख करके ही बनवाता हूं, बनाएंगे आप, परेशान मत होइएगा अग्नोत्री जी। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। और भारत का राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा और समापन का आदेश देता है, और ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कहलाती हैं। लेकिन युद्ध की घोषणा करने की शक्ति, युद्ध के समापन के आदेश की शक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की कूटनीतिक और राजनयिक शक्ति के अंतर्गत किसे रख सकते हैं सर? जो विश्व के अलग अलग देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति की जाती है,
उसे राष्ट्रपति जो नियुक्ति राजदूतों की करता है, यह इसकी कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। विश्व के अलग अलग देशों के राजदूतों को भारत में क्या करता है, आगवानी करता है, उनके साथ वार्ताएं करता है, यह भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है, कूटनीतिक शक्ति कहलाती है। और उसके बाद है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के तहत आप कह सकते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और साथ ही साथ अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करता है। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं बताया जो आपको पढ़ाया नहीं गया, बस क्लासिफाई कर दिया जा रहा है। इस लेवल के सवाल आए तो आपको ये पता रहे, अच्छा अच्छा अब जान गए ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है। पढ़ाया सब कुछ गया, कौन सा टॉपिक अभी ऐसा नहीं बोला जो नहीं पढ़ाया गया। एक नया फैक्ट मिला, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख है। ये नया फैक्ट मिला कि ये राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं। यहां बहुत सारी बातें आपने जाना, ये किसकी किसकी नियुक्ति करता है, महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की, राज्य के राज्यपालों की, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की भी। उसके बाद वित्तीय शक्ति आएगी और वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जब कभी भी लोकसभा में कोई धन विधेयक लाया जाता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 112 के तहत जिसे आप बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या कहते हैं इसको, वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकसभा में रखवाता है। ये दोनों कार्य राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है, वित्तीय शक्ति कहलाती है। मैंने पहले कॉन्सेप्ट ही दे दिया कि कौन सा कार्य करने पर राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाएगी, उसके पहले सब पढ़ा दिया है, तो कॉन्सेप्ट से पकड़ेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगी पकड़ना इनको। सलाहकारी शक्ति की बात किया जाए तो अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, यह आपको पढ़ाया जा चुका है। और आपातकालीन शक्तियों में तीन आर्टिकल जो कल आपने विस्तार से देखा, 352, 356 और 360 के तहत क्रमशः राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा करता है। और उसके बाद सबसे अंतिम शक्ति के रूप में है परिस्थिति जन्य शक्ति। यह परिस्थिति जन्य शक्ति भी आप पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ लिया सर हमने, परिस्थिति जन्य शक्ति का मतलब ऐसा हुआ, यहां एक कॉन्सेप्ट नया होगा एक कॉन्सेप्ट पुराना होगा। जैसे अभी आपको मैंने प्रधानमंत्री पढ़ाया नहीं है, जब मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा इसका मतलब नहीं हुआ। जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तब राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा, तो यही पर राष्ट्रपति को परिस्थिति जन्य शक्ति प्राप्त होती है। तो यहां पर राष्ट्रपति जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो जितनी अन्य पार्टियां हैं उन पार्टियों में से जो सबसे ज्यादा सीटें पाई होती हैं उसको बड़ी पार्टी कहा जाता है, और उस बड़ी पार्टी में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति की परिस्थिति जन्य शक्ति है। और एक पॉइंट और बताऊंगा आपको, जैसे कि आर्टिकल 74 में आपको बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो मंत्रिपरिषद भी तो समाप्त हो जाएगी, तो इसका मतलब है अगली लोकसभा गठन होने में कुछ समय लगेगा। तो अगर किसी लोकसभा का विघटन हो जाए और अगली विधानसभा का लोकसभा का गठन होने में कुछ समय लग रहा है, तो उसके बीच का जो समय है उस समय राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करता है, ये बात पता नहीं होगी शायद आपको, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लोकसभा का विघटन हो जाए तो नई लोकसभा के गठित होने तक भारत का राष्ट्रपति
पुरानी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार, ये लेक्चर दे रहा हूं भाई, ये लिखा नहीं रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, ये कुछ लेक्चर होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में सब लिखना ही नहीं होता है, कुछ चीजों को समझना होता है, लेक्चर को दिमाग में बैठाना होता है। तो ये लेक्चर देखकर मैं चीजों को समराइज कर रहा हूं, जो लिखाने वाली पॉइंट्स थे, जो नोट्स बनाने वाले थे, वो मैंने करा दिया सब। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो अगली लोकसभा के गठन तक भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा? पुरानी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि जब लोकसभा का विघटन हो चुका हो, भारत का राष्ट्रपति पुरानी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य कर रहा हो, अगर ऐसे समय पर पुरानी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई ऐसी सलाह दे जो उनके राजनीतिक हितों से संबंधित हो, तो भारत का राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने से इनकार कर सकता है। यह राष्ट्रपति को परिस्थिति जनशक्ति प्राप्त है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, आपको आर्टिकल 74 में मैंने एक संशोधन लिखाया था, आपने अपने नोट्स में लिखा होगा, 44वां संविधान संशोधन 1978, तो वहां भी यह बताया गया था कि जब कभी भी राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह अनुचित लगे तो एक बार मंत्री परिषद की सलाह को वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हाँ, जो मैं बोर्ड पर लिखाता हूं उसी को नोट्स में लिखना है, उसको हेडिंग, जैसे भाई हाई स्कूल, अब तो बीए पूरा हो गया होगा आप लोगों का, तो बीए तक तो जीवन में बहुत बार नोट्स बनाया होगा, कभी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, जियोलॉजी का, बॉटनी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहला काम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहले घटना चक्र नाम की जो पूर्वावलोकन आती है उसको उठा लाइए, या समीक्षा अधिकारी के लिए भी अलग से पूर्वावलोकन आती है। तो पहले पिछले सवालों को देखिए कि क्या क्या पूछा गया, केवल पढ़िए, जानिए मत क्या पूछा जा रहा है, तब उसके बाद जब आपको टीचर पढ़ाते हुए बोर्ड पे लिखेगा, तो हम तो वैसे ही लिखते जाते हैं जैसे नोट्स वाकई बनाना है आपको। अब इसमें से नोट्स बनाने के लिए और क्या नया तरीका चाहिए? कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे लिखते जा रहे हैं उसको आप हेडिंग बनाकर नोट्स करते चले जाइए, ऐसे ही नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने में तब दिक्कत होती जब मैं क्लास में केवल लेक्चर लेता, अब कहां क्या बनाए सर, हम तो नोट्स पूरा लिख देते हैं, बोर्ड पे ही लिख के समझा देता हूं, और उसी बोर्ड पे जो लिखी गई बातें हैं उसी को हेडिंग बना के आपको नोट्स बना लेना है, पूरा ही लिखना रहता है, उसमें छोड़ना नहीं रहता, कुछ छोड़ने वाली बातें नहीं, बल्कि कुछ और एक्स्ट्रा मुंह से, अब जितनी बातें समझाते हैं आपको क्या सब बोर्ड पे लिख देते हैं? बहुत सारी बातें केवल बोली ही जाती हैं, लेकिन ये हुनर आपको चाहिए कि कौन सी बोली हुई बात को भी नोट कर लेना है। ये कैसे आएगा हुनर कि हमारे लिए हमारी परीक्षा के लिहाज से कौन सी बात महत्वपूर्ण है, कौन सी बात महत्वपूर्ण नहीं है? तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, कोई नोट्स का पीडीएफ, नोट्स आपको खुद बनाना है, नोट्स का पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, कुछ प्रिंटिंग नोट्स के रूप में स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ऐप पर, लेकिन जितना बताया जा रहा बस इतना पढ़िए, इनफ है, बिल्कुल रिसर्च नहीं करना है, इतना इनफ आपको पढ़ा दिया जा रहा है कि प्री में कोई भी पॉलिटी का, प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। बाकी जो नोट्स मिले आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको चाहते हैं उसको आप पढ़िए, लेकिन क्लास में यहां से क्वेश्चन नहीं होगा। केवल दो चीजें करिए, केवल दो चीजें करिए, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, उसके बाद पूर्वावलोकन का घटनाचक्र उठा लीजिए, जो टॉपिक पढ़ाते जाए राष्ट्रपति समाप्त हो जाए, राष्ट्रपति में जितने क्वेश्चन आए हैं सब सॉल्व कर डालिए, एक बार नहीं तीन तीन बार सॉल्व कर डालिए, आपकी क्लियरिटी आती चली जाएगी। राष्ट्रपति आपका सबसे बड़ा टॉपिक था कार्यपालिका, ये आपका समाप्त हुआ। जितना समय आपको राष्ट्रपति को पढ़ने में लगा है ना, इतने में पूरी की पूरी कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी आपकी, यानी इतनी देर में आप उपराष्ट्रपति भी पढ़ लेंगे, महान्यायवादी भी पढ़ लेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री भी पढ़ लेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद भी पढ़ लेंगे, राज्यपाल भी पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री भी पढ़ लेंगे, और महाधिवक्ता भी। सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक था। अब राष्ट्रपति को पढ़ते पढ़ते आपका बेस बन गया है, अब उपराष्ट्रपति पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम राष्ट्रपति से तुलना करके अब आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे। जैसे अगर बात उपराष्ट्रपति की जाए, यहां क्या क्या सवाल बनता है, कैसे इसको पढ़ना है, ध्यान से देखिए, नया टॉपिक है, नए पेज से इसका नोट्स बनाइए।
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। स्रोत अनुच्छेद। निर्वाचक मंडल। योग्यता। निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि। कार्यकाल। शपथ। त्यागपत्र। वेतन हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे सेम नोट्स बना लेना आपको। अभी किताबों में जो बहुत सारे पन्नों में बिखरा हुआ पड़ा है ज्ञान, और जो आपके परीक्षा के लिए जान जरूरतमंद है, जो आपको जानना चाहिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट लेवल पे, उसको मैंने एक जगह समेट लिया। अब इसी का उत्तर आपको सीख लेना है। देखिए, बात यदि स्रोत की जाए, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, यह पहला सवाल फ्री में पूछा जाएगा, अमेरिका से। किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है? 63 से 69 तक प्रायः इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति में मैंने बहुत सारे आर्टिकल याद कराए ना, 52, 53, 54 से लेकर 62 तक, फिर 77, 72, 78, 80, 85, 87, 108, 111, 123, 143, 352, 356, 355, 360, 365, 361। इतने आर्टिकल याद कराए आपको। उपराष्ट्रपति में प्री के लेवल पे केवल 3 आर्टिकल याद करके जाइए आप, केवल 3 आर्टिकल, क्वेश्चन वहीं से आएगा। कौन कौन से 3 आर्टिकल हैं? पहले अनुच्छेद पे पकड़ बना लीजिए आप। अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 69, ये 3 आर्टिकल उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक सेकंड ज्यादा से मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आर्टिकल 63 में कहा, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में किया गया है। कहां किया गया है? आर्टिकल 63 में किया गया है। आर्टिकल 64 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा।
सभापति होगा। ठीक। और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। ये तीन आर्टिकल याद रखिएगा, 63 भारत के उपराष्ट्रपति का पद, 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, नोट करिए, और 69 उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान। अब हिस्ट्री वैसे भी तीन तीन सब्जेक्ट है अनिल जी, करंट अफेयर भी रहता है, पॉलिटी भी रहती है, यूपी स्पेशल भी रहता है, तीन टॉपिक तो ऐसे सिविल में इतने ही काम करने में समय कहां बचता, 12 घंटे तो इसी में व्यस्तता रह जाती है। अब हिस्ट्री कैसे होगा, निर्वाचक मंडल की बात किया जाए तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, केवल एक शब्द, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। जब आपने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा तो संसद के सभी निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के सभी निर्वाचित, यदि मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है तो मुख्यमंत्री भी, यहां पर केवल एक शब्द, संसद के सभी सदस्य। और संसद के सभी सदस्य का मतलब क्या हुआ, संसद का मतलब यहां लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों है, और यहां सभी का मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों है। इसका मतलब हुआ लोकसभा के सभी निर्वाचित प्लस मनोनीत, राज्यसभा के सभी निर्वाचित प्लस मनोनीत, लेकिन राज्य विधानसभाओं का कोई सदस्य नहीं होगा, केवल संसद के सदस्य होंगे, और संसद में केवल निर्वाचित ही नहीं, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होंगे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या याद रखना है, केवल दो बात, एक बात संसद के सभी सदस्य, और संसद के सभी सदस्यों को मैंने तोड़ के बता दिया कि संसद का मतलब यहां लोकसभा प्लस राज्यसभा, और सभी का मतलब हुआ निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब देखिए योग्यता देखते हैं, योग्यता भी और आसान हो जाएगा, कैसे, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता अगर आप जानते हैं तो राष्ट्रपति की योग्यता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उपराष्ट्रपति की योग्यता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हां पढ़ाएंगे, उपराष्ट्रपति की योग्यता में कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में केवल एक शब्द का फर्क है, कौन से शब्द का फर्क है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। केवल सिर्फ इतना अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यह भी भारत का नागरिक होना चाहिए, यस, इनकी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, यस, ये भी किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे, यस। तो अंतर किस बात का मिला, अंतर सिर्फ इस बात का मिला कि जहां एक तरफ भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, वही दूसरी तरफ भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। इनकी निर्वाचन विधि कैसी है, जैसे राष्ट्रपति की है, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से, कोई अंतर नहीं है। जैसे निर्वाचन विधि भारत के राष्ट्रपति की है, वैसे ही निर्वाचन विधि भारत के उपराष्ट्रपति की भी है। कार्यकाल कितना होता है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकते हैं।
या 5 वर्ष से पहले इनकी मृत्यु हो जाए तब भी इनका पद रिक्त हो जाएगा, या 5 वर्ष से पहले राज्यसभा, नोट करिएगा, 5 वर्ष से पहले राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके हटा दे तब भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। कैसे हटाएगी अभी दिखाऊंगा। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके हटा दे, प्रस्ताव पारित करके हटा दे तब भी इनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। या 5 वर्ष से पहले सर्वोच्च न्यायालय, जैसे राष्ट्रपति में बताया था, सर्वोच्च न्यायालय इनका चुनाव शून्य घोषित कर दे फिर भी इनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। फिलहाल कार्यकाल इतना ही पूछा जाता है, मैं तो गहराई में जाके बता दिया, 5 वर्ष ही इनका कार्यकाल होता है। शपथ किसके समक्ष लेते हैं? भारत का राष्ट्रपति अपना शपथ जो लेता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना शपथ राष्ट्रपति, नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। किसके समक्ष लेता है? या अपना शपथ जो लेता है वह राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। और इनका वेतन कितना होता है? इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन यह वेतन क्या इनको उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है या नहीं, यह मैं अभी आगे बताऊंगा। क्या इनका वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए 4 लाख रुपए दिया जाता है या किसी और कार्य के लिए, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। इसे नोट करके आप बताइए, क्योंकि अगले पेज पे मुझे बताना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है और उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या है, और क्या उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए दिया जाता है या किसी अन्य पद के लिए। इसको नोट करके ओके बोलिए आप लोग, तब मैं आगे चलूंगा। ठीक है,
किसी बच्चे का कमेंट है कि सर, हाँ बस मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कुछ लोग आए थे उसे मुझके लिए स्टूडेंट ही थे, मिलने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, फिर तब तक आप नोट करेंगे, तब तक मैं आ जाऊँगा। हाँ, और आपने लिखा है, करेंगे करेंगे, हम क्लास में समय नहीं जाया करेंगे, कभी परेशान मत होइए, नरेंद्र विक्रम सिंह, कुछ बहुत ज़रूरी रहा होगा तभी उतना आपका गैप हुआ है, हम सांस लेने का भी मौका जल्दी नहीं देते बच्चों को क्लास में। तो आपने कहा कि सर शपथ को एक बार और बता दीजिए। शपथ का मतलब यह है कि जैसे अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, लेकिन जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट से शपथ नहीं लेता है, उसको शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा अनुच्छेद 69 के तहत। हटाने की प्रक्रिया ही बता रहे, आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि किस आर्टिकल पर फोकस करना है सचिन, अनावश्यक 395 है, लेकिन 395 में कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा, उतने ही आपको 150 याद करने पड़ेंगे। तो 150 में ऐसे अनावश्यक क्यों बताएं आपको जो एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है? तो जितने आवश्यक होंगे कोई नहीं छोड़ा जाएगा, 150 आर्टिकल ऐसे भी याद करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आर्टिकल पर कमांड होगा आपका। चलिए, अब आपको पहला पॉइंट याद करना जानना है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एवं उपराष्ट्रपति की कार्य उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, और यह महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया मैंने पढ़ाया है आपको, लेकिन उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की जाए फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, लाया तो संसद में जाएगा, लेकिन यह संसद के किस सदन में लाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, यह प्रस्ताव कभी भी लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। यह बड़ा अंतर है, और यहीं से फंसाया जाता है। उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, वंदना जी, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वह संसद के किस सदन में लाया जाएगा? वह संसद के केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। और यह राज्यसभा में जब प्रस्ताव लाया जाता है तो राज्यसभा कैसे पारित करती है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे पारित करती है, कैसे पारित करती है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो कैसे पारित करेगी, साधारण बहुमत से कि विशेष बहुमत से कि सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से? तो इसका आंसर है, न तो साधारण बहुमत से पारित करेगी, न ही विशेष बहुमत से पारित करेगी, न ही सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से पारित करेगी। तो आपका सवाल होना चाहिए, तो आखिर पारित कैसे होगा? उसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। क्या बोलते हैं? प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। यह प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए, सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक, सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक, सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक,
इसीलिए बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाया तभी जा सकता है, राज्यसभा तभी हटा सकती है जब राज्यसभा कम से कम 123 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाए, 123 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए। और 123 क्यों कहा गया है, क्योंकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, क्योंकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 होती है और प्रभावी बहुमत का मतलब हुआ सदन की कुल संख्या का बहुमत, और इसकी कुल संख्या का बहुमत का मतलब हो गया कि कम से कम 123 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। एकदम क्लियर हो गया। अब आपको हमसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या सर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या राज्यसभा अकेले प्रस्ताव पारित करके हटा देगी? आपने ये तो बता दिया। हां, एक ही बात है संगीता जी, एक ही बात है। अब कैसे पारित होगा इसको कैसे समझेंगे सर? राज्यसभा अकेले क्या ही नहीं हटा सकती? आंसर है नो, अकेले नहीं हटा सकती। तो लोकसभा का भी समर्थन आवश्यक है। क्या? लोकसभा का भी समर्थन आवश्यक है, लोकसभा का भी समर्थन आवश्यक है। तो समर्थन का मतलब क्या हुआ सर? बस ऐसे इशारा कर दे, चाहो हमारी तरफ से भी इजाजत मिल गई हटा दो? नहीं, बाकायदे प्रस्ताव पारित करके समर्थन देना होगा। तो जैसे आपने यह बताया कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव पारित करती है वह प्रभावी बहुमत से करती है, तो लोकसभा जब हटाए जाने का समर्थन देगी तो कैसे देगी? तो लोकसभा यह समर्थन साधारण बहुमत से देगी। लोकसभा यह समर्थन साधारण बहुमत से देगी। और साधारण बहुमत का मतलब सर क्या हुआ? उपस्थित तथा मतदान देने वाले कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक। क्या? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक के द्वारा लोकसभा भी पारित करेगी, और इस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। यह है पूरी कंप्लीट प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने का। बहुत बढ़िया अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैंने यहां हटाने की प्रक्रिया समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। इसको अगले पेज में मैं समझा रहा हूं। उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य, सच बताएं तो आपको हंसी आएगी कि उपराष्ट्रपति का अपना कोई कार्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का प्रति का अपना कोई कार्य नहीं होता, अपना कोई कार्य नहीं होता। क्या? उपराष्ट्रपति का अपना कोई कार्य नहीं होता। तो आप कहेंगे सर जब उपराष्ट्रपति का अपना कोई कार्य ही नहीं होता, इनको वेतन 4 लाख क्यों दिया जाता है? हमने तो सुना है वरिता क्रम में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी है, 4 लाख इनको वेतन मिलता है, और आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य ही नहीं होता। बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए उपराष्ट्रपति जो वेतन प्राप्त करता है, जो मैंने वहां नहीं बताया आपको, उपराष्ट्रपति वह वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, राज्यसभा के सभापति के लिए प्राप्त करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अपना कोई कार्य ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य ये हो जाते हैं कि यह काम, पहला काम क्या करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यह राज्यसभा का सदस्य
नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। दूसरा कार्य क्या है? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, यहीं से बहुत सारे सवाल बाहर निकलेंगे। जैसे जब यह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो यह इसकी शक्तियां कैसी रहेंगी? तो इसकी कार्य एवं शक्तियां वही होंगी जो राष्ट्रपति की होती है। इसकी कार्य एवं शक्तियां वही होंगी जो राष्ट्रपति की होती है, यानी राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता है, राष्ट्रपति के पास जो पावर है, राष्ट्रपति का जो वेतन है, राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है, वह सब कुछ उपराष्ट्रपति को मिलेगा। इसका मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति काम करेगा तो उसका वेतन 5 लाख हो जाएगा, यस। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी, यस। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यस। अरे कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, एकदम वो राष्ट्रपति की तरह ही रहेगा। राष्ट्रपति के पास जो पावर, जो शक्तियां, जो वेतन, जो विशेषाधिकार, जो सुविधाएं हैं, वो सब उपराष्ट्रपति को मिलेगी। अच्छा सर, एक मन में हमारे सवाल चल रहा है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति, आपने कहा कि राज्यसभा का सभापति होता है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपको हमसे पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहे, मैं सवाल उठाऊंगा आपकी तरफ से कि राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन सभापति जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर चला गया तो यह पद तो खाली हो गया, इस पद को कौन भरेगा? राज्यसभा में एक सभापति होता है तो एक उपसभापति भी होता है। क्या? एक सभापति होता है तो एक उपसभापति भी होता है, और उपसभापति का कार्य यही होता है कि जैसे ही सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा और सभापति का पद खाली हो जाएगा, माफी चाहेंगे, सॉरी, तो भारत का उपसभापति तुरंत राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, और जैसे ही भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति से हटेगा और अपने पद पर पुनः आ जाएगा, वैसे ही उपसभापति फिर अपने पद पर चला जाएगा। एक दूसरा सवाल कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम उपराष्ट्रपति, उससे मैंने आपको आर्टिकल 62 में बताया होगा जरूर इसको, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने दिनों तक कार्य कर सकता है, अधिकतम कितने दिनों तक कार्य कर सकता है? इसका आंसर होगा अधिकतम छह माह तक कार्य कर सकता है, इससे अधिक नहीं। एक अंतिम सवाल यह बचा है कि अगर जब कभी भी राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो आपने बताया कि सर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, और अगर मान लीजिए उसी समय भारत का उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो क्या होगा? अगर उसी समय भारत का उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो क्या राज्यसभा का उपसभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? आंसर है नो। तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा।
क्या आज तक हमारे संविधान में ऐसा कभी हुआ सर कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ अनुपस्थित रहे हों और किसी सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला हो? यस, एम हिदायतुल्ला, नोट कर लीजिए। नहीं, ये कहीं शर्त नहीं लिखा गया है विक्रम जी कि जो अध्यक्षता करेगा वह सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उसे राज्यसभा का सभापति बनाया गया है, लेकिन उनकी योग्यता में ही यह लिख दिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद की शर्तों में ही लिख दिया गया है वह सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर इसके पीछे का तार्किक कारण ढूंढा जाए तो तार्किक कारण नरेंद्र भैया यह है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा ताकि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे और स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के वह कोई भी निर्णय ले पाए और उसके कार्यवाहियों का संचालन कर पाए। ये दोनों के लिए पद की शर्तों में कहा गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, कि यह सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति भी समाप्त हुआ, आज जाइएगा उपराष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके लिए होमवर्क, अभी तो आगे मैं महान्यायवादी पढ़ाऊंगा, कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको स्वयं करने हैं। अब वो काम आपको क्लास में कराए तो क्लास की ही तोहिनी हो जाएगी। कुछ काम आपको स्वयं से भी करना, कभी कभी बेसिक सवाल आ जाते हैं, ये आप जाकर घर जाकर खुद करिए। सभी राष्ट्रपतियों का क्रम याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सभी उपराष्ट्रपतियों का क्रम याद कर लीजिए और कौन कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे जो राष्ट्रपति बने, ये आपका होमवर्क है। दिन भर मोबाइल चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये जाकर काम करिए आप। ये बेसिक काम है आपका। कभी कभार यदा कदा, फिलहाल बहुत पुराना जमाना हो गया जब ये सवाल पूछे जाते थे, अब तो ये ग्रुप डी भी नहीं पूछते हैं, लेकिन बाई दे वे अगर आ ही गया तो आप चुनौती तो दोगे नहीं, काहे पूछ लिए भैया हमसे, तो आयोग है, पूछ सकता है, कठिन से कठिन पूछ सकता है, सरल से सरल पूछ सकता है। तो कम से कम आ जाए तो आप गलत करके मत आइए। ये काम है, आज ही जाकर गूगल करके सभी राष्ट्रपतियों का क्रम, सभी उपराष्ट्रपतियों का क्रम, कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। एम हिदायतुल्ला, गौरव कुमार गौतम, एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए, मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, हाँ योग्यता रखता है, ये तो बताया, योग्यता में तो बताया कंचन त्रिपाठी, वहीं पर तो एक ही अंतर ही था, एक ही अंतर तो मैंने बताया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में, केवल योग्यता रखेगा, सदस्य नहीं होगा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है लेकिन सदस्य नहीं होगा। चलिए अब एक अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी हमारे पास समय पर्याप्त है, इतने 15 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा आपका। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। महान्यायवादी, इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद
उपाधि, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, त्याग पत्र। महान्यायवादी को इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महान्यायवादी के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में, यह पहले प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाएगा, अनुच्छेद 76 में। उपाधि क्या है, कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, क्या निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, तो महान्यायवादी को ही क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, नहीं, तो कैसे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। कार्यकाल कितना होता है, वैसे इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष माना तो जाता है, सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है सर, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब आप कहेंगे सर एक बार बता दीजिए हमें, बस क्या बता दें, प्रसाद पर्यंत का मतलब नहीं जानते हम, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। क्या होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, कि भारत का न्यायवादी महान्यायवादी अपने पद पर तब तक बनेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, और राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब व्यवहारिक तौर पर मंत्रिपरिषद की इच्छा है, तभी तक वह अपने पद पर रहेगा, इसलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं माना जाता। इनका वेतन कितना है, तो यहां पर भी बड़ा पेचीदा सवाल है, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था यहां से क्वेश्चन। वेतन की अगर बात किया जाए तो महान्यायवादी के लिए वेतन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इन्हें एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, इन्हें एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है जिसका निर्धारण कौन करेगा, यही यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया था, संसद, न्यायालय या राष्ट्रपति, इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा, जिसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा, मैं फिर से बताता हूं, राष्ट्रपति करेगा, क्या कि महान्यायवादी के लिए
वेतन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है महान्यायवादी को एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा जिसका निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा बात अगर त्यागपत्र की एक बात पॉइंट छूट गया है, इसको मैं ऑलरेड कर दे रहा हूं कि महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है सर? व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इनकी योग्यता क्या होती है? वही जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, न्यायाधीश की जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती है। और भारत का महान्यायवादी अपने कार्यकाल से पहले किसी व्यक्ति को त्यागपत्र दे सकता है? हाँ, अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद मुक्त कर सकता है। 90% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे प्री में महान्यायवादी के। महान्यायवादी के संबंध में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद दो बिंदु बताकर आज की क्लास समाप्त करेंगे। महान्यायवादी की कार्य एवं शक्तियां एवं विशेषाधिकार, क्या कार्य होता है, क्या इनका विशेषाधिकार है। महान्यायवादी के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां दूसरा विशेषाधिकार। दूसरा विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकार, कार्य एवं शक्तियां क्या है, ये सबसे पहले इसको देखते हैं। इनका पहला कार्य क्या है, क्योंकि ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, भारत सरकार का वकील है ये महान्यायवादी। तो इनका पहला कार्य है कि भारत के, अब यहां से सवाल वैसे मेंस का है लेकिन फिर भी बता रहे हैं, हो सकता है कभी आ जाए, यहां से सवाल यहीं से आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, सवाल सब यहीं से आएगा जितने पॉइंट मैंने यहां लिखाए हैं, लेकिन फिर भी इसको मैं कवर कर रहा हूं कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में, भारत सरकार का पक्ष रखना, दूसरा भारत सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कोई कानूनी सलाह देना, भारत सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कोई कानूनी सलाह देना, और तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना। ये इनके तीन कार्य हैं। सवाल यहां से बनेंगे। विशेषाधिकार क्या है? विशेषाधिकार से सवाल बनेंगे।
महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है बोल सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, बात समझ पा रहे हैं? महान्यायवादी संसद का मेंबर नहीं है, फिर भी संसद की कार्रवाइयों में जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, वोट नहीं देगा। ये इनका पहला विशेषाधिकार है। दूसरा विशेषाधिकार है कि महान्यायवादी को संसदीय समितियों का सदस्य भी बनाया जा सकता है। और तीसरी बात, महान्यायवादी संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं देगा। समाप्त। और आपको अब 3 अनुमति मिल गई। आज घर जाइए, पूर्वावलोकन उठाइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर घटना चक्र किस राइटर की आती है? घटना चक्र उसका नाम है, कोई राइटर नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के संकलन के लिए पूर्वावलोकन के नाम से घटना चक्र आती है। इलाहाबाद की कुछ टीम है जो काम करती है। कुछ काम नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया गया है, वो आपको दिखाकर उसकी व्याख्या बता दी गई है। उन्होंने कहा कि सर प्री वर्ड यूज करते हैं, मेंस के क्वेश्चन नहीं यूज करते। यही बताना है। आशीष भैया ने एक क्वेश्चन किया कि अक्सर आप कहते हैं कि सर ये प्री में पूछा जाता है, ये मेंस में पूछा जाता है, ये प्री में पूछा जाता है, ये मेंस में। सुन लीजिए, सबके लिए मन में संदेह होगा। अच्छा कि आशीष आपने सवाल पूछ लिया, ये इसको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। आप प्री वर्ड यूज करते हैं तो सिर्फ मेंस के क्वेश्चन कैसे कवर होंगे? आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आशीष भैया ना, ये प्री में भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब 4 विकल्प दिए रहेंगे, और ये मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, 4 विकल्प दिए रहेंगे। बस क्वेश्चन हाई और लो हो सकता है, कई बार तो मेंस का क्वेश्चन प्री से भी इजी होता है। लिखने के लिए मेंस में जीएस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है। जो मैं मेंस की बात करता हूं वो पीसीएस में जो 100-200 शब्दों में आंसर लिखना होता है वो मेंस का पॉइंट है। अब आ गया समझ में? ये आपका जो क्लास है ये प्री और मेंस दोनों का है, लेकिन इस प्री और मेंस के क्वेश्चन का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव नेचर है। ऑब्जेक्टिव नेचर का अर्थ होता है क्वेश्चन देने के बाद उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक टिक करना रहेगा। और हम जिस मेंस की बात बार बार करते हैं वो हम आपको आईएएस और पीसीएस में जो मेंस लिखा जाता है उसकी बात करते हैं। ये आपका क्लास प्री और मेंस दोनों का है। मेंस लिखने के लिए समीक्षा अधिकारी में निबंध आएगा, एसे
ड्राफ्टिंग आएगी, हिंदी आएगी, जीएस प्री का भी वैसे होगा, मेंस का भी ऐसा होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अरे तो आएंगे मेंस में क्वेश्चन, चाहे प्री में भी स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं। स्टेटमेंट वाले के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि प्री में आएगा मेंस में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए भैया थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी अच्छी से हो जाए, हर मुद्दे को आप समझ पाए, पहले पेपर खरीद लीजिए, पहले पेपर को समझिए। जिस परीक्षा की आप तैयारी करते हैं पेपर आता कैसे है, उसका क्वेश्चन कैसे होता है, तब तो आपको समझ में आएगा जो टीचर हमारा पढ़ा रहा है वो किस लेवल पे पढ़ा रहा है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं। जब आपको उसका प्रकृति ही नहीं पता होगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसको आप एग्जाम देना है, कुछ क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, जब आपको ये आइडिया नहीं रहेगा तो आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं रहेगी, दिशा गड़बड़ हो सकती है, और आपको आगे वाले पर ट्रस्ट भी नहीं आएगा कि हमारे जो आदमी व्यक्ति पढ़ा रहा है वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, या वही पढ़ा रहा है जैसे कि एग्जाम का लेवल है या नहीं है। तो पहला काम आज से करिए कि घटना चक्र को मुला करके या गूगल पर जाइए, समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर के प्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जरा देखिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी में क्या सवाल पूछे गए, आप कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, स्टेटमेंट तो ग्रुप डी में पूछ ले रहा है भाई, ये कौन सी बड़ी बात है ना, तो ग्रुप डी में आ जा रहा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लास समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे के लिए क्लास चलेगी यहीं पर, डीडी तिवारी सर पढ़ाएंगे, वो इससे ही पढ़ाते हैं। जो इतना कुछ पढ़ाया गया, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग, सभी लोग, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन। इसके बाद जीएस कंप्लीट हो जाएगा तो वही चलेगा, जीएस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि जीएस तो प्री में ही काम आ जाएगा, वो राइटिंग केवल मेंस में ही आएगी, इसलिए पहले जीएस कंप्लीट किया जाएगा तब वो होगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। किसी को कोई डाउट हो अभी मैं कमेंट बैठ के देख रहा हूं, किसी को कुछ पूछना हो, कोई संदेह हो, कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। तीन टॉपिक से रिलेटेड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, तीन टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, जिसका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी लेवल पे हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल पुनः अपने 2 बजे की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।